साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पर घड़ी लगेगी? तो जो परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा, और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किस जमाने में उपयोगी होगा? यानी जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन लाती है, वो नए माध्यम खोजती है, वो नए अध्याय लिखती है, वो नए रास्ते नई व्यवस्था भी बनाती है। हम सभी ने वो दौर देखा है कि जीवन से जुड़े कितने ही आसान विषयों को कितना मुश्किल बना दिया गया था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा होगा, लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है, और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जेम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है।